उधर सीट टूटता रहेगा, इधर तुम शौचालय के नाम पे गड्ढे में हगते रहोगे। यही करना है बाकी जिंदगी। तो क्या करें भैया? आवाज उठाना पड़ेगा विनोद, आवाज उठाना पड़ेगा। डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। ऐसे जल्दी कब है? पैंट पर कर्स। हम बता रहे भैया कि हम पैंट में हक देंगे। ठीक है, तुम पैंट में हक दो, लेकिन खेत में झाड़ फिर नहीं देंगे। पानी फेंको इसको। पानी ढक्कन बंद है इसका। पोसा देगा उसको। पागल हो गया कबे? हाँ, तुमको हकने के लिए घर पर बुला तो कहाँ नहीं आए? दीदी, नहीं तो क्या गोदी में बैठ के बात करते? मम्मी सारा दिन मम्मी मम्मी करती रहती है, क्या करें हम? वो हमारा चार्जर नहीं मिल रहा था। तो हम क्या करें, चार्जर नहीं मिल रहा? चार्जर चार्जर दिन रात चार्जर चार्जर फोन में घुसे रहना, और कोई काम धंधा तो है नहीं। मोबाइल मोबाइल जैसे। झूठ मत बोलिएगा, आप भी देखे थे दोनों एक दूसरे से कैसे मुस्कुरा के मिले थे। अच्छा, हो सकता है दोनों में अभी कुछ नहीं चल रहा हो, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर कुछ चलने लगे बड़ा भारी कांड हो जाएगा। रिंकी का शादी का बात चल रहा है, आपको क्या लगता है प्रधान जी सब चीज़ों को कैसे लेंगे? प्रधान जी सच में तो मार हो जाएगा और धर्म संकट में पड़ जाएंगे हम दोनों। जी ने पिछले इलेक्शन में वादा किया था कि गांव का पूरा मेन रोड पक्का करवाएंगे, एक इंच काम नहीं हुआ है। हुआ तो है, गांव से ऑफिस तक तो बन ही गया है। ऑफिस से मेन रोड तक का हालत देखें आप। सुनिए, आज एक तारीख आप फाइनल कीजिए, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या आत्मदाह का बात थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं ये? सचिन जी आप ही सोचिए ना, ये रोड के चलते हमारा नया गाड़ी का वो शॉकर दो बार बैठ गया है। हा? हमको लग रहा था कि हमारे गाड़ी का शॉकर इनकी वजन से बैठ रहा है, लेकिन नहीं, ये तो खराब सड़क होने की वजह से बैठ रहा है। आज आप फाइनल तारीख बताइए। अरे भूषण जी, मैं कहां से फाइनल कर दूं? तो फिर कौन करेगा? अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, प्रधान जी से पूछिए सर। आप सरकारी बाबू हैं, गोल मोल जवाब देने का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के बाद जब आप प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो यही सब बहुत काम आएगा आपको, समझे ना? चलिए ठीक है प्रधान जी, मैं देखूं। अरे नहीं बैठे, अरे चलो गुलाम मुझे हमें दे दो। हाँ चलो जाओ। अरे यहीं से निकल जाते, कहाँ इतने बड़े आदमी को घूम के जा रहे हैं। बहुत सही बनाया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। पकौली बना रहे डबल थैंक यू। हाँ, वो मंदिर पर बोलना भूल गए थे उसी का। ले आए हैं ये, हमने तो नहीं चाहते थे सब केक वेक लेके। अब ले आए हैं डांस का कल्चर है ये। तब एक बार बताया था। हाँ, मिली मिली कर रहा था मैं खाने के लिए। बोलता है कटता है हैप्पी बर्थडे, ताली बजाता है। चलिए चलिए, मुझे नहीं पसंद कोई ये बोले कि मैं चाटता हूँ किसी की। अरे आपको लगता है कि आप हमारी चाटते हैं? नहीं, हमको भी नहीं लगता, और चाट रहे हो तो हमको पता चल जाता। देखिए सचिव जी, सच्चाई क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फिर वो क्या बोल रहा है साला, क्या फर्क पड़ता है? है? वाला वीडियो मत हटाइएगा, नहीं तो बकरी नहीं मिलेगी। ए माधव, ए माधव, तुम पुलिस के सामने गवाही दोगे ना? ये लोग क्या कर रहा है मेरे साथ, गवाही दोगे ना दोस्त? आपका वाला वीडियो भी बगल में ही है। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। गुंडागर्दी है ये, विशुद्ध गुंडागर्दी है ये। अच्छा, शुरू किसने किया था बताइए? दुबे जी कैसे आना हुआ? प्रणाम विधायक जी। ये क्या? अरे अपने खेत का है, एकदम कौला है, एकदम ताजा ताजा, एकदम ले आया आपके लिए। हमारे मुंह में ठोस दीजिए इसको, वहां रखे ना। ऐसा कैसी बात करते हैं? जितना तुम्हारे बारे में सुना है उसे सुन के लगता तो नहीं तुम्हारे अंदर एक भी गुण है, इतना गुण कैसे मैच हो रहा है बे? सर प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। ए ए लड़का गाजियाबाद, वहां दूध बचाओ रखा है, खराब हो जाएगा। आचा जी चाय रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले लो भैंस के साथ। अरे चलना अभी बाद,
यार भाई प्लीज यार एक फोटो स्टोरी डालूंगा यार। अरे खींच लीजिए, रोज रोज गांव थोड़ी आना होता, चलिए खींच लीजिए, खड़े हो जाइए। बस एक फोटो तीन चार एंगल से, ठीक है? ये एक ऐसे खींचो, एक ऐसे, बहुत सीधा साधा भैंस है भाई। भाई भैंस क्या बीन बजाने वाला? दिल्ली में भैंस नहीं होता क्या? पागल है क्या मम्मी?